एक बार नैमित्तिक प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी को थोड़ी सी नींद आई और उनके हाथ के वेद खिसक गए। हयग्रीव नामक दैत्य उनको ले भागा। उसी समय पर भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया है। शतव्रत नाम के मनु नदी में जाकर के तर्पण कर रहे थे कि छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। उन्होंने फेंकना चाहा, कहा कि महाराज मैं बहुत छोटी हूं, जल के बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे। वे उन्हें उठा करके ले आए, कमंडल में रखा। देखते देखते कमंडल के आकार की बनी और फिर उन्होंने बड़ी परात में रखा, वो पातार की ही समान बड़ी हो गई। विशाल गड्ढा खोद करके घर में एक जगह बनवाई। वो देखते देखते जितना बड़ा गड्ढा खोदा उतनी बड़ी ही आकार की मछली हो गई। अनोरणिया न महतो महिया, वह परमात्मा दिव्य है, वो कैसे भी रूप को धारण कर सकता है। अंतोगत्तो राजा को लगा इनके उपयुक्त तो समुद्र ही जगह है। और समुद्र में जब छोड़ने के लिए पुनः गए तो मछली ने फिर वही बात की कि राजन अगर आप इस समुद्र में मुझे छोड़ दोगे तो यहाँ के विशाल भयंकर जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। तो महाराज सत्यव्रत मनु ने कहा कि महाराज कृपा करके आप बताइए, आप मुझे मोहित कर रहे हैं आपके ये वचन। पहले जब मैंने कहा आप विराट रूप हो गया और आप फिर संक्षिप्त थे, आप कहीं मेरे साक्षात भगवान ही तो नहीं? उन्होंने कहा मैं भगवान ही हूँ। नैमित्तिक का भी प्रलय आने वाली है और उसमें पृथ्वी देखते देखते जलमग्न हो जाएगी। जलमग्न पृथ्वी हो उसके पहले पहले धन धान्यादि आदि जो बीज हैं उनको आप संग्रहित कर लो। सप्तऋषि यहाँ पर आएंगे, नौका यहाँ पर आएगी, वासुकी आएंगे और उसी में बैठे बैठे मत्स्यावतार का भगवान ने उन्हें दिव्यतम अवतार दिया है। और इस प्रकार से त्रिलोकाम लिए मानायाम संवरताम हस्वेतदा उपस्थास्यति नौह काचित विशालात्मा मयेरता। बड़ी सुंदर उनकी प्रार्थना है। प्रणय पय सिधातु सुप्त शक्तेर मुखेभ्या श्रुतिगणम अपनीतम प्रत्युपादत्ते हत्वा द्वितिज मखदयति यो ब्रह्म सत्यव्रतानाम तमहम अखिल हेतुम जिम्हमीनम नतोऽस्मि। बोलो मत्स्यावतार भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।